कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रूपन छोड़ो। बात यह है कि ना रखा झूला बनना चाहिए। झूला ना लेते हैं भाभी, इतने इतने मोटे बिरवा, हम कबो अत्ते बड़े पर नहीं चढ़े तो अत्ते बड़े कहाँ चल पाऊंगा। झूले नहीं डाल पाओगे, तुम मेरे देवर को बुला ला, मैं अपने देवर से लाऊंगी। इधर आ, इधर आ। फसल के पटक तू गड़मुड़े हो जाइ हो, अकेले नहीं तनखा बढ़ा खड़ा खड़ा लगा वारी जो भैया हो रही हूँ। बात सुनो बच्ची, हम यह बहन की झलुआ डरवा ले तू है। तुम डरी हो तबे तो होई। हाँ हम डर, तबे तो तुम डरवाई हो। हाँ यह बात सही। रुको, भाभी कहने उधर तो तुमको बुलवाया जाए। हाँ इसी खड़े हो बच्ची हो रही। हेलो हेलो अंकल दद्दू, आपका शाही गुलाम, आप जल्द से जल्द महलों की ओर आने का कष्ट करें। जी बड़े भैया, जय बाबा। काश मुझे महलों में बुलाया गया। भैया हम दोनों भाई जो है एक साथ में ड्यूटी करते हैं और आपकी भाभी भाभी मछला कसाही अनेसे के हमारे चक्रवर्ती, उन्हें राज को बुलवाया जाए, हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्यों भैया? जी भाभी, मछला ने मुझे नौ महलों में याद किया है।
भगवान भैया आओ चल कर भाभी के पास चलते हैं, आओ से चलते हैं कि आखिर इस अपने देवर को नौ महीनों में क्यों बुलाया गया है। बहुत अच्छी बात, आओ चलते हैं, चलो सरकार। आज हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछ ले सुन भाभी, और काहे बुलाए भाभी हमें मोहल्ले में। भाभी बुरी बात को गौर करिएगा, मुझसे कौन सा काम कर गया आज मुझे महल दरबार बुलाया गया। जानना चाहते हो कि मैंने महल में तुमको किसने बुलवा ली, जान बतलाऊंगी। सुनिएगा देवर, अभी मेरी बात तो सुनिए। और ये कैसे डाला ये झूला नौ लख बतिया, अभी Come on!
अगर नहीं जीना डाला तो देवर तुम और साथ में रूपम तुम दोनों लोग बिल्कुल ही कमाल। अब तू भी बता हम क्या करें। अम्मा भैया सबकी सीधी एक बात की बेजती सिपुआ बेजती ठीक है कई भैया कद्दू राज में क्या कमी है आप इजाजत दीजिए हम दोनों भाई छोला बना के तैयार करेंगे भैया। मैसूला जलाने से और भाभी मैसूला जलाने से नहीं डरता